बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं चिकन फ्राइड की रेसिपी जामा मस्जिद स्टाइल। जैसे जामा मस्जिद पे बनाया जाता है फ्राइड चिकन, तो उसी तरीके से आज मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने लिया है चिकन, ये 1.25 किलो चिकन है। तो इसको इस तरीके से हमने कट लगा लिए हैं, ये इस तरीके से आपको कट लगाने हैं। इसके अंदर तक मसाला भर जाएगा, ये देखिए इस तरीके से कट लगाना है। तो ये मसाला अंदर तक इसमें भर जाता है, काफ़ी अच्छा बनता है। बाकी तो हमने ये कट लगा के रख लिए हैं। तो देखिए इसको मैरिनेट करके रखा जाएगा। तो इसमें हम डालते हैं नमक, आधा चम्मच नमक डाला है हमने, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 टीस्पून अब इसको इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास सिरका नहीं है वाइट वाला, तो आप नींबू भी इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। 2 नींबू को निचोड़ के इसमें डाल दीजिए और ऐसे मिक्स कर दीजिए पूरा इस तरीके से, अच्छे से इसमें ये अंदर तक मसाला भर जाएगा। ये देखिए इससे काफ़ी जूसी बनता है। इसको हम एक घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं, इस तरीके से ढक के आप फ्रिज में। तो चलिए देखिए, इसको रखे हुए हमें 1 घंटा हो गया है फ्रिज में। तो काफ़ी अच्छे से इस पर कोटिंग हो गई है मैरिनेशन की। तो अब हम लेते हैं कुछ मसाले। तो देखिए ये हमने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, ये 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, ये चाट मसाला है 1.5 टीस्पून, और ये 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है, और ये कॉर्नफ्लावर है 4 टीस्पून, और ये 4 टीस्पून बेसन है। तो आप इस तरीके से मसाले ले लीजिए। और अब इसमें हम ये सारे मसाले डालेंगे, इसको मैरिनेट करके रखेंगे। और इसमें जाएगा ये 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, नमक हमने उस टाइम भी डाला था, थोड़ा सा हल्का सा 1/4 चम्मच और डालेंगे। अब इसमें जाएगा 2 नींबू का रस, और डालेंगे हम इसमें रेड फूड कलर, ये रेड फूड कलर है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, इससे कलर अच्छा आता है, बिल्कुल होटल जैसा लगता है, और नहीं तो आप नहीं डालें। अब ये जो है इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, जो ये चिकन का पानी है इसी में हम मैरिनेट करेंगे इसको, इसी पानी में हम इसको अच्छे से कोट करते हुए मिक्स करेंगे। सारे मसाले अच्छी तरीके से इसमें लग जाएं। पानी बिल्कुल नहीं डालना है आपको, वरना जो है इसके अंदर जो मसाले हैं ये नहीं कोट होंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से हमने सारे मसाले लगा लिए हैं, ये देखिए खूब अच्छे से सब मसाले लग गए हैं इस पर। अब इसको हम ढक के 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। अगर गर्मी है तो आप फ्रिज में रखिए, और ठंडा मौसम है तो आप बाहर भी रख सकते हैं। इसको 3 से 4 घंटे, अगर नहीं टाइम है तो 1 घंटे में आप बना सकते हैं, और नहीं तो आप 3 से 4 घंटे रखिए और ओवरनाइट रख देंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम इसको ढक के फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। तो देखिए एक चीज़ इसमें और बाकी रह गई थी, वो है दही। ये 2 चम्मच दही को हमने चलनी में करके और रख दिया था, तो इसका पानी निकल गया है, ज़्यादा दही नहीं डालना है इसमें, तो ये दही रह गया था हमारा। तो ये इसमें हम दही को ऐड करेंगे, ज़्यादा दही नहीं डालना, 2 चम्मच सिर्फ चलनी में रख दीजिए आप, इसका पानी एक्स्ट्रा निकल जाएगा। अब उसको अच्छे से हम इसमें ये सब मिक्स कर लेंगे।
तो ये देखिए मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसको ढक के हम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। तो देखिए चिकन को मैरिनेट करके हमने ये रख दिया था फ्रिज में, ये 4 से 5 घंटे हो गए हैं इसको रखे हुए, तो काफ़ी अच्छे से मसाला इसके ऊपर चिपक गया है। अब हम तेल गरम किए, कढ़ाई में हमने ऑयल को गरम कर लिया है मीडियम हीट पे, और इसके एक एक पीस उठा के ऐसे मसाले के साथ इसमें अब हम डालेंगे। ज़्यादा ना तेल गरम हो और ना वैसा हो ठंडा हो, इसी तरीके से एक एक पीस करके हम इसमें ऐड करेंगे। जितने पीस आ जाएं आपके उस तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, अब इसको ऐसी अभी चलाना नहीं है वरना इसके ऊपर की कोटिंग उतर जाएगी। इसको ऐसी मीडियम हीट पे और हमें सेकना है अंदर तक इसको सिकना है, तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम इसी तरीके से एक साइड से छोड़ते हैं। देखिए एक साइड से हमें 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम पलटते हैं दूसरी साइड से। इससे पहले आप नहीं छूना वरना ये मसाला जो इसमें चिपका हुआ है वो छूट जाएगा। जब ये टाइट हो जाता है फिर उसके बाद आप पलट पलट के सेक सकते हैं। इस तरीके से हम सारे पीस पलट लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो लाइक करके ज़रूर जाना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कौन सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आएँ वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट्स में ज़रूर हमें बताना। अच्छा लगता है हमें कमेंट्स पढ़ते हुए। तो चलिए इस साइड से भी हम 5 मिनट के लिए और फ्राई, तो देखिए इधर से भी हमें फ्राई करते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको डबल फ्राई करना है हमें, दोबारा फिर एक बार फ्राई करना है, तो इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया हुआ है इसका। अब इसको हमें डबल फ्राई करना है जब तक इसी में हम बाकी का चिकन फ्राई कर लेते हैं। इसी तरीके से हल्के से हाथ से देखिए चिकन को हमने उसी तरीके से सब फ्राई कर लिया है इसे। अब दोबारा से हम उसी तेल को काफ़ी गर्म करेंगे, तो ये देखिए खूब गर्म हो गया है तेल, खोल लिया है। जैसे ज़्यादा गर्म होएगा तभी क्रिस्पी बनेगा। अब इसको दोबारा से हम फिर डालते हैं इसमें। इसी तरीके से देखिए कितना तेज़ है, इसको चलाते हुए हमें तेज़ी से एकदम फ्राई करना है। ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है तेल में वरना सूख जाएगा चिकन, क्रिस्पी करना है खाली हमें। इस तरीके से चलाते हुए हम इसे चिकन को फ्राई करेंगे। देखिए चिकन हमारा काफ़ी हद तक फ्राई हो गया है। ये देखिए दोबारा से हमने फ्राई करा था वो फ्राई हो गया है, इसको हम निकालते हैं। इसको एक प्लेट में हम निकालते हैं। तो देखिए चिकन रोस्टेड हमारा रेडी है, जामा मस्जिद स्टाइल वैसी बनाया हमने, कोई कमी तो नहीं रखी है। पर अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, और इसके ऊपर देखिए इस तरीके से चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उससे। इस तरीके से आप किसी को सर्व करके देना है तो उस टाइम आप इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत जूसी। इसके ऊपर डालिए नींबू। तो ये देखिए, ये देखिए अंदर से जूसी है एकदम, ऊपर से क्रिस्पी है, काफ़ी टेस्टी बना है चिकन हमारा। ये देखिए कितना जूसी बना है। तो इसी तरीके से आप बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा बनेगा चिकन आपका। तो चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।